आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग फॉर्म टी बार 510 और टी बार 511 के बारे में। टी बार 510 ऑपरेटिंग फॉर्म हमारा स्टेशन मास्टर द्वारा लोको पायलट को दिया जाता है जब बिना सिग्नल वाली लाइन पे गाड़ी को लेना हो, यानी वैसा लाइन जिस पे कोई सिग्नल ना लगा हो, अगर वहाँ उस लाइन पे गाड़ी को लेना हो तो स्टेशन मास्टर द्वारा लोको पायलट को टी बार 510 दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है टी बार 511। टी बार 511 ये भी स्टेशन मास्टर द्वारा लोको पायलट को दिया जाता है जब बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करना हो, यानी टी बार 510 जो है वो कब लिया जाएगा, जब बिना सिग्नल वाली लाइन पे गाड़ी को लेना हो यानी गाड़ी को रिसीव करना हो, लेकिन टी बार 511 हमारा तब दिया जाता है जब वहाँ से गाड़ी को डिस्पैच करना हो या गाड़ी को रवाना करना हो। इसका दो टी बार 510 और 511 दोनों का दो कॉपी तैयार किया जाता है, एक लोको पायलट के पास और एक स्टेशन मास्टर के पास रहता है। स्टार्टर नहीं लगा हो, अगर उस लाइन पे स्टार्टर नहीं लगा हो तो लाइन क्लियर टिकट के साथ पीएन नंबर भी दिया जाता है। सपोज कीजिए किसी गाड़ी को हम ए लाइन से, ये हमारा एक ए लाइन है, यहाँ पे एक ट्रेन है, अगर यहाँ पे स्टार्टर नहीं लगा है तो गाड़ी को डिस्पैच करने से पहले टी बार 511 के साथ साथ लाइन क्लियर टिकट और पीएन नंबर भी दिया जाता है। लोको पायलट ध्यान देंगे अगर स्टार्टर नहीं लगा हो तो उन्हें लाइन क्लियर टिकट के साथ साथ पीएन नंबर भी लेना होगा। तो आगे ऑपरेटिंग फॉर्म को एक बार देखते हैं। ये हमारा टी बार 511 है, कुछ इस तरह का ये ऑपरेटिंग फॉर्म होगा। यहाँ पे सीरियल नंबर दिया रहेगा, यहाँ पे टी बार 511 देखिए, अथॉरिटी टू स्टार्ट फ्रॉम अ नॉन सिग्नल लाइन, ये हमारा टी बार 511 के बारे में है। ये लोको रिकॉर्ड और लोको पायलट का कॉपी है। रिकॉर्ड का कॉपी जो होता है वो स्टेशन मास्टर ऑफिस में स्टेशन मास्टर के पास रहता है। यहाँ पे स्टेशन का नाम होगा, यहाँ पे डेट टाइम, फिर लोको पायलट गाड़ी क्रमांक, द ट्रेन ऑफ लोको पायलट ट्रेन नंबर, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अप या डाउन जो भी डायरेक्शन में है वो दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए हमेशा रेटिंग फॉर्म दो लैंग्वेज में रहता है, ऊपर हिंदी और नीचे इंग्लिश में दिया रहता है, तो आपको जो भी लैंग्वेज समझ में आए आप उसमें पढ़ के अच्छे से रेटिंग फॉर्म के बारे में समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं, आपको प्रस्थान और अग्रिमिक प्रस्थान सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने तथा काटो पर से अधिकतम 15 km/h की गति से सक्षम रेलवे सेवक द्वारा सिग्नल रहित लाइन के अंतिम काटो तक विभेदित पायलट किए जाने पर सफलतापूर्वक यार्ड छोड़ने की अनुमति दी जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि लोको पायलट को जब टी बार 511 दिया जाएगा तो एक पॉइंट्समैन या वर्दीधारी रेलवे कर्मचारी द्वारा गाड़ी को पायलट किया जाएगा, यानी गाड़ी के आगे आगे वो ट्रैक को देखते हुए जाएगा, फिर लोको पायलट उसके पीछे पीछे मैक्सिमम 15 km/h की स्पीड से आगे तक जाएंगे, क्योंकि आपका गाड़ी नॉन सिग्नल लाइन पर लाइन नंबर दिया रहेगा, सिर्फ प्रस्थान कर रही है इतना दिया रहेगा। इंग्लिश में देखते हैं, यू आर ऑथोराइज टू पास स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर इन द ऑन पोजिशन एंड लीव द यार्ड कंटिन्यूसली ड्यूली पायलटेड आउट अप टू लास्ट सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन सिग्नल लाइन बाई द कंपोनेंट रेलवे सर्वेंट एट ए स्पीड नॉट एक्सीडिंग 15 km/h ओवर द पॉइंट्स एज योर ट्रेन इज स्टार्टेड फ्रॉम नॉन सिग्नल लाइन। यहाँ पे लाइन नंबर यहाँ पे फिगर में दिया रहेगा। अब देखिए अगर उसमें स्टार्टर नहीं लगा हो तो यहाँ पे टोकन का लाइन क्लियर टिकट संख्या और यहाँ पे प्राइवेट नंबर यानी पीएन दिया रहेगा। और आगे देखते हैं, इधर स्टेशन मास्टर का नाम सील और उसका हस्ताक्षर रहेगा, यहाँ पे सील रहेगा, यहाँ पे लोको पायलट का हस्ताक्षर और डेट। तो ये था हमारा टी बार 511 और टी बार 510 के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।